रोटी। रामेश्वर जी ने पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम पार्क में टहलना और बास के मंदिर में दर्शन करने को अपनी दिनचर्या बना लिया था। हालांकि घर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन आज सभी दोस्त चुपचाप बैठे थे। एक दोस्त को वृद्धाश्रम भेजने की बात से सभी दुखी थे। आप सब हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूं, आज बतला देता हूं। कमल ने पूछा, क्या बहू तुम्हें सिर्फ 3 रोटी देती है? बड़ी उत्सुकता से एक दोस्त ने पूछा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू बहुत अच्छी है। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आना सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वो तो है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भरती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी हमें बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा गई, लेकिन वो चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं होती। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को हमेशा अच्छे दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही जाए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से सब दोस्त सोच रहे थे कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं।